नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं सोनमन का यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास आई है टाटा पंच और टाटा पंच में पूरा काम होने वाला है। टाटा पंच को मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, इसमें स्पीकर भी लगाएंगे, डैम्पिंग भी करेंगे, पीएस लाइट लगाएंगे, स्टेरिंग कवर का काम होगा, सीट कवर लगेगा, टच स्क्रीन का काम होगा, मतलब अंदर पूरा इंटीरियर का काम होगा। इसमें हम आर्मरेस्ट भी लगाएंगे, पूरा काम कराएंगे इसमें अभी। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, रूफ रेल भी लगेंगे, भी लगेंगे, ये सब गार्निश लगेंगे, डोर वाइजर लगेंगे, मतलब ऑल ओवर पूरा काम होने वाला। और कौन सी कंपनी का सामान हम इस गाड़ी में लगा रहे हैं, एक एक चीज़ मैं आपको पहले दिखाऊंगा और फिर इस गाड़ी में लगा के पूरा गाड़ी रेडी होगा, फिर मैं आपको फाइनल वीडियो दूंगा। आप देख सकते हैं टच टीवीएस का बहुत स्मूथ है, काफी बढ़िया है। मैं बता दूं आपको, इसमें डैम्पिंग सीट जो है, डैम्पिंग सीट पूरा प्रॉपर तरीके से डैम्पिंग सीट लगाया गया है इसमें। उस्ताद जी देख सकते हैं आप लगा रहे हैं, ठंड कड़ाके की ठंड है। और इसमें हमने अभी JBL का स्पीकर भी लगाया है, देख सकते हैं JBL का। आगे हमने कंपोनेंट लगाया है और ये देख सकते हैं पूरा डैशबोर्ड खुल खाल के मतलब बरोबर हो गया हुआ है। अभी अच्छे से पैकिंग होगा। सीट कवर का जो काम था डबल स्टिचिंग में, ब्लैक एंड आई ग्रे परफोरेटेड में बकेट फिटिंग के अंदर में इसको तैयार किया गया है। तो इस प्रकार से ये भी रेडी है। अभी इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। मैं बात करूं डोर वाइजर की, तो आप डोर वाइजर देख सकते हैं, क्रोम लाइन वाला डोर वाइजर हमने लगाया है इसमें। लोअर गार्निश की बात करें तो लोअर गार्निश आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होता है और वो पूरा जाता है। कई लोग क्या करते हैं, यहीं तक गार्निश लगाते हैं, इतना ना लगाने से ना लुक थोड़ा खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से अभी काम हो ही रहा है। पूरा काम होने के बाद मैं आपको एक बार फाइनल वीडियो देने वाला हूं। और तो दोस्तों मैं बता दूं, हमारा पंच जो है लगभग 99% रेडी हो चुका है। तो मैं आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं इसका अभी फोग लाइट जो है आप देख सकते हैं, फोग लाइट की रोशनी आप ये दूर तक की जा रही है। ये व्हील कवर अराइवल वाले डिजाइन में हमने बनाया है, आप इसका देख सकते हैं। साइड विडिंग क्रोम लाइन के अंदर में पूरा किया गया है। ये हैंडल क्रोम आप देख सकते हैं। ये लोअर गार्निश भी हमने इसमें इंस्टॉल किया है। ये मिरर का क्रोम का फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं, बहुत बढ़िया फिनिशिंग के अंदर में है। ये बैक साइड पीछे दरवाजा का जो लोअर गार्निश है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ये फुल साइज का होता है, मजा तो तब आता है जब ये पूरा दरवाजा बंद हो जाए, फिर आप इसकी गार्निश देख सकते हैं। फुल साइज में ये लोअर गार्निश रहने वाला है। बात करें डोर वाइजर की, तो डोर वाइजर जो है क्रोम लाइन वाला देख सकते हैं। इसका ये डिजाइन जो बना होता है काफी अच्छा होता है। ये गैलियो का डोर वाइजर हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं और ये पीछे का कुछ डोर वाइजर इस प्रकार से रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये, और आपको मैं चेक करा दूं इसमें, इस पे रूफ रेल है। अभी ऊपर सार कंटेनर लगने वाला है। ये स्पॉइलर है, स्पॉइलर की भी फिटिंग कुछ ऐसा रहने वाला है आपका। देख सकते हैं वेलकम प्लेट आपको मिल जाएगा पंच का, ये बिना लाइट वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 7D मैट जो कि ईगल ब्रांड में है, काफी अच्छा फिटिंग के अंदर में है। ये आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग काफी प्रीमियम फिटिंग के अंदर में है ये। और यहाँ पे वेलक्रो वाला है ताकि ये लॉक बार बार टूट जाता है, वो चीज है नहीं। और यहाँ पे सीट कवर की बात करें तो बकेट फिटिंग सीट कवर जो है इसमें फिटिंग किया गया है ब्लैक एंड परफोरेटेड आइस ग्रे में। तो देख सकते हैं इसकी फिटिंग काफी प्रीमियम फिटिंग है। आप हेडरेस जो है हेडरेस जीप वाला बनाया जाता है इसमें, तो आप देख सकते हैं काफी बढ़िया चीज है ये। तो ये देख सकते हैं पीछे का आपको ये पंच जो दिख रहा है, ये पीछे का वेलकम प्लेट है। 7D मैट की बात करें तो ये प्रॉपर फिटिंग के अंदर में ये बनाती है, आप हमेशा चेक कर सकते हैं यहाँ से फिटिंग, काफी बढ़िया फिटिंग है 7D मैट का। बात करें पीछे से, आपको पॉकेट भी मिल जाता है कैरी सामान करने के लिए। पीछे का सीट का फिटिंग कुछ ऐसा रहने वाला है, देख सकते हैं पीछे का फिटिंग, यहाँ पे आपको बेल्ट का कटिंग मिल जाता है। और ये हेडरेस्ट पे जो कान की फिटिंग है आप वो देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं टच स्क्रीन। अभी हम लोग बैक कैमरा चालू करने वाले हैं तो वो मैं आपको दिखा दूं। माई TVS का टच स्क्रीन इसमें लगाया गया है, तो अभी सेटिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये सेटिंग, रिवर्स कैमरा नाइट विजन का लगाया गया है इसमें, इंडिया का देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसका रिमोट देख सकते हैं, एम्बियंस लाइट का आराम से इसमें कलर चेंज हो रहा है,
आपको जो कलर रखना है। ये मोबाइल पे ऐप के थ्रू भी होता है, ये एम्बियंस लाइट बहुत प्यारा लगता है। एम्बियंस लाइट देख सकते हैं रेड कलर का कितना प्यारा लग रहा है ये, और दरवाजा में भी कितना अच्छा लग रहा है ये। मैं आपको एक बार एम्बियंस लाइट की वीडियो दिखाती हूँ, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। हमारा बैक कैमरा चालू हो गया, बिल्कुल नाइट विजन में बिल्कुल क्लियरिटी दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं आप इसकी विजिबिलिटी, ब्लू पंक का जो कैमरा है वो लगाया गया है इसमें, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। और देख सकते हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ये। ब्लू पंक का कैमरा इसमें डाला, माइटीवीस का सिस्टम डाला हमने इसमें, और देख सकते काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। और ये बैक साइड का एम्बियंस लाइट कुछ ऐसा रहने वाला है। ये बैक कैमरा का सेटिंग हो रहा है, देख सकते हैं बैक कैमरे की सेटिंग हो गया भाई। एक कैमरा से आ गया, देख सकते हैं ये हेडलाइट का बल्ब का जो फोकस है आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कितना कितना थ्रो मारता है लाइट। ये देख सकते हैं ये अपर डिपर दोनों आप चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं अपर डिपर दोनों काफी अच्छा रोशनी है ये, बहुत बढ़िया। ये हेडलाइट बल्ब हमने इसमें लगाया है, तो इस प्रकार से हेडलाइट का जो है आप रोशनी चेक कर सकते हैं। और BMW वाला आर्मरेस्ट का फिटिंग हो रहा है अभी।